हमारे साथ सीएस भंडारी जी हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बाबा साहब की कई सारी मूर्तियों को ब्लू कलर में रंगा जाता है, लेकिन कई जगह पे उन्हें भूरा रंग दे दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल जो है इतनी अच्छी बातें खोज कर लाता है जो समाज के लिए जिसकी जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब को नीला रंग बहुत पसंद था और रिपब्लिकन पार्टी जिसे हम RPI कहते हैं उसका भी नीला ही झंडा होता था। एक हमारा संकेत है नीले झंडे का, लेकिन कुछ लोग इसको भगवाकरण करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुओं का रंग भगवा होता है, भगवा झंडे होते हैं, भगवा सारे होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे समाज के लोग हैं और वो समाज के लोग हमारे समाज के लोग दूसरे समाज में हमारे मिल जाते हैं और उनको एक तरीके से ये कि मिसगाइड करते हैं और उनको पथ प्रदर्शित होने से रोकते हैं, जो अच्छा कार्य नहीं करते वो लोग बाबा साहब को नीले रंग की बजाय दूसरे रंगों में ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जो बुद्धिस्ट आदमी है, जो बाबा साहब का अन्यायी है, अगर बाबा साहब की बात करेगा तो बाबा साहब के ढंग से बात करेगा, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति जो बाबा साहब की जीवनी भी लिखेगा, जो बात करेगा, उसमें कहीं ना कहीं भगवाकरण और हिंदू पुट जरूर लगाएगा, जबकि बाबा साहब इनके सबके खिलाफ थे। इसलिए बाबा साहब जो है अपना नीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्होंने नीले कोट, सदैव नीला सूट नीला ही पहना है, और यहाँ तक कि जो उन्होंने समता सेन दिन मनाया था उसका भी कोट उन्होंने नीला रखा था और नीला ही झंडा रखते थे। इसलिए नीला रंग का बहुत महत्व है। जो वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं, वो नीले रंग का अधिक रूप से पसंद करते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने भी नीली शर्ट और नीला कोट ही पहन रखा है। इसलिए इसको भगवाकरण होने से बचाया जाए, इसको दूसरे धर्मों से होने से बचाया जाए, तभी हम असली वास्तव में नीले रंग का प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रसार कर सकते हैं। धन्यवाद।